हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एमजीपी रोहिल यूनिवर्सिटी बरेली की तरफ से बीए और बीएससी थर्ड ईयर के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहिल यूनिवर्सिटी बरेली के बीकॉम थर्ड ईयर का रिजल्ट जारी हो गया है और बीएससी और बीए का जो रिजल्ट है इसको लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए बीएससी थर्ड ईयर के रिजल्ट को लेकर क्या न्यूज़ सामने आ रही है, कब आपका रिजल्ट जारी हो रहा है। तो स्क्रीन पर आप लोग आज की ये न्यूज़ देख लें। अमृत प्रचार अखबार की आज की ये लेटेस्ट न्यूज़ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय ने बीकॉम का परिणाम किया जारी। अब प्रायस्नातक में प्रवेश के लिए पंजीकरण करा सकेंगे छात्र। बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ही ईयर का परिणाम जारी हो चुका है। अब जो रिजल्ट रह गया है बीएससी और बीए थर्ड ईयर का रह गया है, इसको लेकर यहाँ क्या बताया जा रहा है आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को बीकॉम प्रथम, द्वितीय और तृतीय, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर का परिणाम जारी कर दिया है। जल्द ही विश्वविद्यालय बीए और बीएससी का भी परिणाम जारी करेगा। बीकॉम अंतिम वर्ष का परिणाम जारी होने से अब छात्र प्रायस्नातक में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आप लोग न्यूज़ में भी देख लें, यूनिवर्सिटी की तरफ से बोला जा रहा है कि बीएससी और बीए थर्ड ईयर का जो रिज़ल्ट है बहुत ही जल्द जारी हो जाएगा। अब मैं आप लोग बता दूँ, अब जो रिज़ल्ट आने वाला है वो बीएससी थर्ड ईयर का आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएससी थर्ड ईयर का रिजल्ट पहले आएगा, इसके बाद में बीए थर्ड ईयर का आएगा। ठीक है, बात करें बीएससी थर्ड ईयर का किस दिन किस डेट में आ सकता है, तो देखिए अनुमानित मैं आपको डेट बता दूं, हो सकता है कि आपका रिजल्ट कल आ जाए या हो सकता है कि आज शाम तक, जिस प्रकार से बीकॉम का रिजल्ट शाम को आया था कल, हो सकता है कि आज शाम तक आ जाए या कल शाम तक आ जाए। ठीक है, एक से दो दिन में बीएससी थर्ड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा और लगभग तीन से चार दिन के अंदर बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, और पीजी कोर्सों के जो एडमिशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है जो 25 है जी, आगे और बढ़ जाएगी। ठीक है, बीए का जो रिजल्ट है थर्ड ईयर का वो लगभग अभी तीन दिन आपके रिजल्ट में लग जाएंगे। ठीक है, पहले बीएससी थर्ड ईयर का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद में बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, तो जितने भी छात्र बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं और जितने भी छात्र बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका रिजल्ट जैसे ही आता है इस चैनल के माध्यम से तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगी। मैंने आपको रिजल्ट की डेट के बारे में बता दिया है, बीएससी का जो रिजल्ट है आज या कल में जारी हो जाएगा और बीए का जो रिजल्ट है दो तीन दिन के अंदर जारी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि अब आप लोगों को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कंफर्म है कि 25 अगस्त से पहले पहले बीए बीएससी बीकॉम सभी के रिजल्ट फाइनल हो जाने हैं। ठीक है, 25 अगस्त से पहले कंफर्म है कि फाइनल हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी बीए और बीएससी के दोस्तों को शेयर कर दें जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और उनको बता दें कि आपका जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द आने वाला है। और सभी स्टूडेंट्स मिलकर इस चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इस चैनल के माध्यम से आगे आपको इम्प्रूवमेंट के फॉर्म, एग्ज़ाम फॉर्म और एडमिशन फॉर्म वगैरह सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।